पूरे पाकिस्तान के रेलवे स्टेशन की तरह कानपुर में भी शेख रशीद और डीएस सखर की हदायत पर रेलवे स्टेशन पर एसओपी पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। इसी पर बात करते हैं कानपुर से मलिक नुमान से। जी मलिक नुमान, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद है कानपुर में। जैसे कि पूरे पाकिस्तान की तरह कानपुर में भी कोरोना वायरस के पेश नज़र रेलवे स्टेशन पर एसओपीज़ के तहत अमल दरामद करवाया जा रहा है। इसी बारे में हम जानते हैं स्टेशन एएसएम गुलाम अरबी से। जी बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है, पूरे पाकिस्तान की तरह हमारे कानपुर स्टेशन पर भी शेख रशीद साहब मिनिस्टर रेलवे और डी एस सखर साहब और डीटीओ साहब और डीसीओ साहब के हुक्म के मुताबिक हम एसओपीज पे सख्त अमल दरामद करा रहे हैं। हमारे रेलवे जो है ना, रेलवे पुलिस भी इसमें किरदार अदा कर रही है, वो भी एसओपीज पे बहुत अमल दरामद करा रही है। हमारा तमाम अमला एसओपीज पे सख्त अमल दरामद करा रहा है। हमारे पास खैबर मेल और जिक्रिया का दो अप डाउन स्टाफ है, कोशिश कर रहे हैं कि मुसाफिरों को जो है ना सख्ती से इस पे एसओपीज पे अमल कराएं और करा रहे हैं इंशाल्लाह। और नेक्स्ट इंशाल्लाह और कोरोना वायरस से बचाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तमाम मुसाफिरों को इस वो मूजी मर्ज से बचाया जा सके। जी हमने ये जाना एएसएम स्टेशन कानपुर गुलाम अरबी से, जिनका कहना है कि यहाँ पर एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। और इनका कहना है कि कोरोना वायरस से पहले शालीमार एक्सप्रेस का यहाँ पर स्टॉप था, जो कि अब स्टॉप बंद कर दिया गया है। इनका कहना है कि शालीमार एक्सप्रेस का स्टॉप दोबारा किया जाए ताकि आमदनी में भी इजाफा हो। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने का।